दोस्तों, इसरो की तरफ से बड़ा अपडेट जिसे सुनने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। इसरो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और रोवर को जगाने के लिए करेगा। दूसरा, मून मिशन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि कई दिनों के प्रयास से चंद्रयान 3 का विक्रम, लैंडर और रोवर नहीं जाग रहा है। इसलिए इसरो के चीफ सोमनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए बताया कि वह चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और रोवर को जगाने के लिए वह मून पर दूसरा यंत्र भेजने वाले हैं। दोस्तों, ये कौन सा यंत्र है जो इसरो चंद्रयान 3 जागने के लिए मून पर भेजने वाला है, उसे जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जय हिंद जय इसरो जरूर लिख दो। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से दोबारा भले ही संपर्क स्थापित न हो पाया हो, लेकिन इसरो ने एक ऐसी खबर दी है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ के मुताबिक चंद्रयान 3 तो भारत के मून मिशन की झांकी भर थी। एजेंसी अगले मिशन की तैयारी में भी जुट गई है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह से पृथ्वी तक सैंपल लाना और साथ ही प्रज्ञान रोवर को नींद से जागना होगा। इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चंद्रयान 3 ने जिस तरीके से चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, वह अगले मिशन का आधार बनने जा रहा है। इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसरो अब अगले मिशन की तैयारी कर रहा है। अगला मिशन इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा ताकि चांद की सतह पृथ्वी तक सैंपल लाया जा सके। इसरो चंद्रमा पर अगला मिशन कब भेजेगा, इस सवाल के जवाब में इसरो के अधिकारी कहते हैं कि अभी इसकी कोई टाइमलाइन तय नहीं है, लेकिन एजेंसी अपने सिस्टम को इस तरीके से तैयार कर रही है कि चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद वहां से रिटर्न फ्लाइट आ पाए। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद चांद की सतह पर हॉप एक्सपेरिमेंट इसी प्लान का एक छोटा सा हिस्सा था। आखिर क्या चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद इसरो ने 3 सितंबर को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। इसी को हॉप टेस्ट कहते हैं। जापान के साथ अगला मिशन। आपको बता दें कि इसरो जापान के साथ भी एक मून मिशन पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन लूपेक्स है। इस प्रोजेक्ट के जरिए दोनों देश चंद्रमा की सतह पर पानी और दूसरे रिसोर्सेज का पता लगाएंगे। प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि जापानी स्पेस एजेंसी इस मिशन के लिए रोवर तैयार कर रही है, जबकि इसरो को लैंडर तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए भी शामिल है। दोनों प्रोजेक्ट के लिए ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहे हैं। भारत के चंद्रयान 3 के बाद अब जापान अपना चंद्र मिशन लॉन्च करने की तरफ है। 28 अगस्त यानी सोमवार को जापान अपने महत्वाकांक्षी मून मिशन को लॉन्च करेगा। इसका लक्ष्य भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना है। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी स्लिम एक मून स्नाइपर के तौर पर करार दिया जा रहा है। इसकी सटीकता की वजह से इसे स्नाइपर भी कहा जा रहा है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा की नजरें इस मिशन पर टिकी हुई हैं। स्लिम को पहले 27 अगस्त को लॉन्च किया जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसकी लैंडिंग को टाल दिया गया था। जापान के स्लिम का मकसद पिन पॉइंट लैंडिंग चंद्रमा पर लैंडिंग के पारंपरिक तरीकों से कहीं ज्यादा कदम आगे, साथ ही यह बाकी देशों के चंद्रमा अभियान को एक नई दिशा देने वाला मिशन भी करार दिया जा रहा। इस मिशन के तहत उस सिद्धांत को बदलने में मदद मिल सकेगी जिसके तहत माना जाता था कि जहां लैंडिंग हो सकती है वहीं अंतरिक्ष यान को लैंड कराया जाए। इसका मकसद चंद्रमा जैसे गुरुत्वाकर्षण खिंचाव वाले खगोलीय पिंडों पर जहां मर्जी वहां पर लैंडिंग को बढ़ावा देना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के सिर्फ छठे हिस्से के बराबर है। ऐसे में किसी भी अंतरिक्ष यान को उतारना यहां पर एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। हाई डेफिनेशन इमेजिंग के साथ साथ सैटेलाइट और दूरबीन टेक्नोलॉजी में प्रगति से वैज्ञानिकों को चंद्रमा की संरचना और इलाके को समझने में महत्वपूर्ण मदद मिली। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पानी जैसे संसाधनों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। जापान के वैज्ञानिकों के मुताबिक पिनपॉइंट लैंडिंग कई खास क्षेत्रों तक सटीक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। पारंपरिक लैंडरों की कई दर्जन किलोमीटर की लैंडिंग सटीकता की तुलना में स्लिम की लक्ष्य सटीकता आश्चर्यजनक रूप से 100 मीटर बताई जा रही है। स्लिम का वजन 200 किलोग्राम है। जापान के वैज्ञानिकों ने स्लिम को चंद्रमा और ग्रहों पर ज्यादा से ज्यादा मिशन पूरा करने का दावा किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसरो कब तक जापान के साथ अगला मिशन भेजेगा, कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि